और शाहदरा जिले में बढ़ते क्राइम और सट्टेबाजी के खिलाफ स्पेशल अभियान चलाया। और इस बीच स्पेशल स्टाफ की टीम को गुप्त सूचना मिली कि कृष्णानगर में एक मकान की पहली मंजिल पर सट्टा चलाया जा रहा है, जिसके बाद शाहदरा जिले की स्पेशल स्टाफ की टीम ने मकान पर छापे मारकर कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान सट्टा माफिया वसीम उर्फ जानी समेत 14 लोग सट्टा खेलते हुए पाए गए, जिन्हें पुलिस ने सट्टा माफिया समेत 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और छापे के दौरान पुलिस को मौके से 7,52,000 रुपये बरामद हुए हैं। डीसीपी आर सत्या सुंदरम ने बताया कि पुलिस किसी भी तरह के ऑर्गेनाइज क्राइम की सूचना अगर पुलिस को मिलेगी तो उन पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। ये 25 तारीख का इंसिडेंट है, वो पीएस आनंद विहार का जो एरिया में सीबीडी ग्राउंड का एरिया में, वहाँ पर इन्होंने सरप्राइज पिकेट लगाया चेकिंग के लिए। वो चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल में दो बंदे, उन्होंने पिकेट को देख के भागने के लिए कोशिश की है। स्पेशल स्टाफ ने इनको रोकने के लिए आदेश दिए, लेकिन इन्होंने रोका नहीं है। लेकिन उसके बाद जो स्पेशल स्टाफ ने इसको ओवर पावर करके पकड़ा, पकड़ने में इनसे दोनों से एक एक पिस्टल बरामद हुआ है, दो लाइव राउंड्स भी बरामद हुआ है। इनको फर्दर पूछताछ में पता चला है इनका नाम एक जानी है, मेरठ का रहने वाला है, 26 साल का उम्र है। दूसरा एक रिंकू है, 24 साल का उम्र है, हापुड़ से रहने वाला है।